भाई खुदाई कर रहे हैं, अभी वो पानी निकालेंगे जो जमीन से निकलता है। ये चश्मे लगे हुए हैं नदी में, ये चश्मों का पानी है इन्होंने जो जमा किया हुआ है। ये देखें मेरे पीछे, ये जुआ खेल रहे हैं। तोता जो फाल निकालता है, फाल निकलवा रहे हैं, देखते हैं मेरी किस्मत में क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सखी सरवर पहुँचे हैं, आज दूसरा दिन है। कहते हैं जी नदी के साथ साथ चश्मे हैं, देखते हैं, लोगों से बात भी करेंगे कि चश्मे का पानी इधर वाला जो वो वैसे ही निकल आता है। कहते हैं खुदाई करें और पानी निकल आता है, चेक करेंगे कि ऐसा है या वैसे ही इन्होंने पानी जो है वो स्टोर करते हैं, वो ही बाद में ला के दे देते हैं। अच्छा जी, फाइल निकलवा रहे हैं, कह रहे हैं जी तोता जो फाल निकालता है, फाल निकलवा रहे हैं, देखते हैं मेरी किस्मत में क्या आता है। लो जी चाचा जी, करें निकलवाएं, पैसे मैं दे रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा यार। तोता इतना समझदार है, वो कहते पहले पैसे दें तो फिर ये चलेगा। अभी इस पैसे देते हैं, देखते हैं कि किस्मत में क्या आता है। एक मिनट मैं ताकि पैसे दे लूं, तब तक पता चले। लें जी, तोता फाइल निकालने के लिए आ गया। नहीं तोता जी, उधरों फाइल कटनी है, देख रहा है जी, फाइल देख रहा है, ढूंढ रहा है मेरी फाइल। ओ आखिरकार फाइल निकला ही, देखते हैं इसमें जो क्या निकला है। चाचू ही पढ़ के जो बताएंगे। आपकी फाइल में है कि इस वक्त आप बड़े रंज और गम में मितलाब है, अनकीब आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे हाथ की तंगी खुशी में बदल जाएगी अगर आप साफ दिल से लोगों से मिलता है। लेकिन बाज़ लोग तेरे लिए हसरत रख देंगे, तुम्हारा सारा रूज पर जाएगा, अन करीब तुम्हारी आरज़ू पूरी होने वाली है, नमाज पढ़िया कर तो इंशाल्लाह ताला। नहीं जी, ये तोते ने फाल जो है वो निकाली है, इसमें ये चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती है। चले मेरी किस्मत में जो भी आया फिर भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें गलत भी है इसमें, सारी चीज़ें एक्यूरेट तो नहीं है। चले आगे चलते हैं, आपको मज़ीद जो है ना आगे दिखाते हैं। चश्मे, ये चश्मे लगे हुए हैं नदी में, ये चश्मों का पानी है इन्होंने जो जमा किया हुआ है। अब वो लोग जो मतलब इस तरफ ये दरबार के बिल्कुल पास है ना, वो लोग जो दरबार के करीब है ना, ये लोग आते हैं, वो इधर से नहाते हैं। ये वो वाला जो पानी है यहाँ जमा किया हुआ है, कहते हैं जी चश्मों का पानी है। अच्छा चश्मे का ही पानी है, कहते हाँ जी चश्मे का ही पानी है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा इतना पानी तो नहीं इधर से निकलता। वो जो पहले वाला था ना टालियाँ में, उधर चश्मे का पानी ज़्यादा था, उधर वो निकलता भी था पानी, वो मैंने आपको दिखाया। ये जो पानी है ना, मुझे लगता है ये जमा किया हुआ है, वैसे एग्जैक्टली नहीं है। है तो ये नदी में, ये चश्मे हैं जिसको वो कहते हैं कि जी चश्मों पे चलें, ये वो वाले चश्मे हैं। तो ये तो पास ही है, ये तो पैदल भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे जाएं बेड़ियों पे तो जा तो उधर भी सकते हैं पैदल, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना काम करते आपको नज़र आएंगे, मतलब कोई ना कोई काम लाजमी करेंगे, कोई अपनी पगड़ी देके वो पैसे जो कर रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई जो वो उसका नाम क्या है वो कहते हैं बेर, कोई वो फल बेच रहा है, बेर बेच रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो मुझे अफसोस भी है, ऐसे बच्चे भी मैंने जो है देखे हैं कि जो सिर्फ मांग रहे हैं। इसमें मांगने वाले इधर बहुत ज़्यादा है, आगे जा रहे हैं क्योंकि ये देखें नहीं, ये आप जिधर भी जाएं ना, जिधर भी जाएं, छोटे छोटे बच्चों को भी मांगने पे लगाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे काम भी करते हैं, ये नहीं कि सारे बच्चे मांगते हैं, बहुत सारे बच्चे काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पढ़ते काम है। जैसे मैंने पहले उधर टालियों पे गया था, उधर मैंने दिखाया, तो ऐसे ही सेम इस तरफ भी है। और इसके अलावा एक और चीज़, यानी कि आपको यहाँ हर चीज़ वो मिल जाएगी। जैसे आप किसी संगत के साथ आए हुए हैं और यहाँ जुआ, ये देखें मेरे पीछे, ये जुआ खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ जुआ बहुत ज़्यादा खेला जाता है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो जुआ खेल रहा होता है। ये देखें, ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ, ये जुआ खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, यहाँ जो मर्ज़ी करते जाएँ आप, जैसे मर्ज़ी जो है आप लगे रहें। चलें आगे चलते हैं, आगे मज़ीद जो
वो दिखाते हैं आपको। अच्छा ये चश्मे हैं, ये देखे जी, ये चश्मे हैं। और चेक करें वो जो कल मैंने जो कल मैंने दिखाए थे वो चश्मे चेक कर लें। और ये भी चश्मे कह रहे हैं जी, चश्मे ये देखें यहाँ, ये भी नदी में है, ये चश्मे सारे आप देखें। और ये पीपा देते हैं कि 50 रुपये, ये देते हैं कितने का पीपा है? 50 रुपये भैया, ना मरदा खुला ना हो, 10 पीपे लाओ, 15 पीपे लाओ, 1 पीपा लाओ। अच्छा ये मतलब पानी आता कहाँ से? पानी जमीन से आता है, नीचे से। अच्छा इतना हाइट पे पानी? हाँ इतना हाइट पे, अभी नदी आ, पानी यहाँ से चल जाता तो 1 फुट पे पानी आ जाता है। अच्छा। नदी नहीं आई तो पानी 2-2.5 फुट पे पानी। ये सारे जो चश्मे हैं चेक करें, जो लोग आते हैं यहाँ, जायरीन आते हैं, वो इन चश्मों में नहाते हैं, वो यहाँ से पानी निकाल के वो पीपे में देते हैं। इस तरह भी सारी यानी कि नीचे से, हाँ दिखाएं लो जी, कहते हैं कि जी नया जो पानी निकालते हुए दिखाते हैं चश्मा, ये देखें निकालने लगे हैं पानी, देखते हैं कि वाकई में चश्मे का पानी है। मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन भाई कहते हैं कि मैं निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखते हैं पानी निकलता है या नहीं निकलता। ये देखें शुरू है भाई, अभी पानी निकालने के, ये पानी इधर से निकालेंगे चश्मे का कि यहाँ से पानी निकलेगा। ये पानी बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल शीशे भर का पानी आएगा। अच्छा ये देख रहे हैं कि भाई खुदाई कर रहे हैं, अभी वो पानी निकालेंगे जो जमीन से निकलता है। मैं तो काट, पानी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, रेत जो है वो आ गया बाबा। ये देखिए आना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी मुझे भी नजर आना शुरू। ये देखें बस हूँ बरी चोरी कभी छोड़े बस छोड़े बस बरी चोरी पे। ये देखें ये वो वाला पानी नहीं था जो मैं समझा कि इन्होंने भरा होता है, ये भाई ने यहाँ से निकाला है। अब पानी जो आना शुरू हो गया, ये पानी साफ हो, मिट्टी काट लेना, शीशे भर का पानी आ रहा है, सेट ऑन वे पानी साफ हो रहा है। ओ यार ये पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए भी। ये कौन सी जगह है अगर ये सरवर पहाड़ है, चश्मा इसे चश्मे के नाम पे मशहूर है, मतलब चश्मे के नाम से मशहूर है, इधर लोग आते हैं। ये थोड़े लोग नहीं आते, लाखों की तादाद लोग आते हैं। सबसे ज्यादा रश कब होता है इधर? सबसे ज्यादा रश बुध और जुमेरात को होता है। अच्छा लोग नहाते हैं। मेला कितने दिनों का लगता है यहाँ? मेला पहले तो 2-3 महीने का लगता था, जब से वो शाही में गल बल पड़ गई है तो अब 1 महीना भी नहीं लगता। अच्छा अच्छा हाँ चलो जी, थैंक यू। अच्छा ये भी सुनना चाहता कि 3 महीने मेला लगता है जी, 1 महीना पंजाब तो सिंध तो बलोचिस्तान। 3 महीने लगता था पहले, पानी भरना स्टार्ट हो गया जो चश्मे का पानी था।